एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करते हैं। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल टू ए डिस्टेंस ए। So find the distance of the foot of the ladder from the wall. It means ये figure दे रखी है, right? So ये क्या है? Ladder है। Ladder means ये है हमारी, means सीढ़ी है ये figure में। So student, जिस तरह से यहाँ पे क्या है, एक window है। For example यहाँ पे एक window है। So यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ladder, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या है हमारी wall है। जो wall की height है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे? 12 मीटर, राइट। और जो ये ए है, ये क्या है? डिस्टेंस है इसका, राइट। सो जो लैडर की जो हाइट है, मींस लैडर की जो दूरी है वो कितने मीटर है? 15 मीटर है यहां तक, राइट। मींस विंडो तक लैडर की दूरी कितनी है? 15 मीटर। ये इसका मींस वॉल की क्या है, ये क्या है? वॉल है। ये वॉल की हाइट कितनी है? 12 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है, जिस तरह से यहां बोला है, अ डिस्टेंस ए, मींस हमें ए जो है, मींस इसकी क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है, राइट। सो इसकी दूरी हम किस तरह से निकालेंगे, डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे? बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसकी दूरी इजीली निकाल सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, जिस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मीन्स जिस तरह से इसमें सबसे बड़ा मीन्स जो एंगल है वो कौन सा है? ये वाला, ये साइड सबसे बड़ी है। सो पाइथागोरस जो होता है हमारा, वो मींस जो ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है, राइट। जो इन दोनों का सम होता है वो उसकी ये वाली साइड का सम होता है, राइट। सो वो हमारा क्या कहलाता है? पाइथागोरस थ्योरम। सो जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखती हूं, ए की स्क्वायर प्लस 12 मीटर की स्क्वायर इक्वल टू 15 मीटर की स्क्वायर, मीन्स इन दोनों का सम हमारा ये होता है, राइट। सो ए की स्क्वायर हमने फाइंड करनी है, राइट। ए मीन्स दूरी हमें फाइंड करनी है। सो ये यहां पे प्लस हो रहा है, इसके पास आके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो माइनस 12 मीटर की स्क्वायर। सो ए की स्क्वायर इक्वल टू 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 715511 मीन्स 225 मीटर, माइनस 12 को 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टू टू दिस 144 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो अब हमने क्या करना है, 225 को 144 से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। सो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 81, राइट। सो जिस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा क्या है? स्क्वायर में है, राइट। सो ए हमारा स्क्वायर में, तो ए को हम टू टाइम्स कर देंगे और 81 का हम क्या निकाल देंगे? प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। सो 81 का हम ये प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जिस तरह से 81 है, इससे लास्ट डिजिट नंबर 1 है और ये क्या है? ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो जाने वाला नहीं है, राइट। सो हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, राइट। सो 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है, राइट। सो जिस तरह से ए हमारा यहाँ दो बार गिवन है, तो हम इसको ए में कन्वर्ट कर, एक में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी दो दो सेम नंबर को हम एक में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह से ये 2 3 है, सेम नंबर है, इसमें हमने इसको हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, एंड अगेन ये 3 दो में कन्वर्ट है, तो इसको भी हम एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 3 3 9 मीटर। इट मीन्स जो ये हमारा ए है, जो इसकी दूरी है, ये क्या निकली है हमारी? 9 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।